संविधान के अनुच्छेद 341 से धार्मिक प्रतिबंध हटाने की करी मांग, जिसको लेकर राष्ट्रीय उलेमा काउंसिलिंग के मंडल अध्यक्ष ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में कहा गया कि आज़ादी का पहला उद्देश्य देश के सभी वर्गों को सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना है, परंतु स्वतंत्र भारत की पहली कांग्रेस सरकार, जिसका नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, उन्होंने समाज के विभिन्न दलित, अति पिछड़े वर्गों के साथ भेदभाव करते हुए आरक्षण से संबंधित अनुच्छेद 341 में संशोधन का धार्मिक प्रतिबंध लगा दिया और समाज के हर धर्म से संबंध रखने वाले दलितों, अति पिछड़ों को 1936 से मिल रहे आरक्षण को छीन लिया, जो भारत के संविधान के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ वर्जित है। भारतीय संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देता और राष्ट्रीय उलेमा काउंसिलिंग का भी यही मानना है कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्थाओं के आधार पर किया जाना चाहिए। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमर फारूक है और मैं राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल का मंडल अध्यक्ष हूँ। किस संबंध में यहाँ आना हुआ है? ये धारा 341 जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1950 को लगा दी थी, धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही थी, तो उसी के विरोध में आज हम ये काला दिवस के तौर पर राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल पूरे हिंदुस्तान में जिला अधिकारी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भेज रही है। क्या मांग है? इसमें मांग ये है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। अगर कोई हिंदू धोबी है तो वो SC में, और जो मुस्लिम धोबी है वो OBC में, तो ये क्या है ये? अब हमें उम्मीद है माननीय प्रधानमंत्री से कि उन्होंने एक नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, तो हम उम्मीद करते हैं और ये अपेक्षा करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वो सबका साथ सबका विकास करेंगे। जो धारा 341 जवाहरलाल नेहरू ने कानून पास करके ये लगा दी थी, इसको हटाने का वो काम करेंगे, जब ही सबका साथ सबका विकास होगा। और हम इस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री को मुबारकबाद भी पेश करेंगे, यही उसी उद्देश्य के लिए